बीते मंगलवार की रात पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के दीघा आशियाना रोड स्थित रैपिडो बाजार मॉल में लूटपाट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें डायल 112 की भी संलिप्तता का आरोप लगाया गया था, जिसका खुलासा आज सेंट्रल SP वैभव शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर दी। सेंट्रल SP वैभव शर्मा ने बताया कि डायल 112 गाड़ी वही मॉल के पास लगी रहती है। बैंक और मॉल होने के कारण डायल 112 की गाड़ी वहां लगी रहती है। उन लोगों की जान पहचान भी पहले से मकान मालिक के साथ थी। मकान मालिक वीरेंद्र कुमार है, जिसकी देखभाल का जिम्मा विकास कुमार को दिया गया है। वहीं रैपिडो मॉल के मालिक रंजन कुमार है, जिन्होंने सन्नी नाम के शख्स को फ्रेंचाइजी दे रखी है। मॉल के मालिक रंजन कुमार ने 25 लाख का चेक मकान मालिक को दिया था, जो बाउंस हो गया। उसके बाद मालिक ने विकास को भेजकर सन्नी से चाबी ले ली। इसी पर विवाद दोनों में हुआ। पूरा मामला रात 9 बजे का है। मकान मालिक के मैनेजर ने ही सस्ते में सामान देने की बात कहकर डायल 112 की पुलिसकर्मियों को सामान दिया था और बिलिंग बाद में करने की बात कही थी। फिलहाल इस मामले में सेंट्रल SP आगे क्या कहते हैं, सुने। 9 बजे की घटना से संबंधित, जिसमें राजीव नगर थाना अंतर्गत ERSS के व्हीकल में कुछ सामान प्राप्त हुआ था, उसको लेकर विभिन्न न्यूज़ पोर्टल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो उसी का हम लोग क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। बेसिकली ये मामला प्रथम दृष्टया रेंटर का और लैंडलॉर्ड का है, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध आवेदन भी दिया गया है। ये ERSS का व्हीकल बेसिकली रैपिडो मॉल जहाँ पर स्थित है राजीव नगर में, उसी के पास लगा करता है, क्योंकि वहाँ न केवल मॉल है, बैंक्स हैं और लोगों का आवागमन काफ़ी संख्या में रहता है, तो उसका प्रतिनिधित्व वहीं पर किया गया है। ये जो मॉल है, ये वीरेंद्र कुमार नामक मकान मालिक हैं, उनके घर में स्थित है। इसका मोटा मोटा देखभाल वीरेंद्र कुमार की साइड से विकास कुमार द्वारा किया जाता है, और रैपिडो मॉल के जो मालिक हैं वह है रंजन कुमार, जिन्होंने इस मॉल का फ्रेंचाइजी सन्नी कुमार को दिया हुआ है। जैसा दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध जो आवेदन दिया है, उसमें पाया गया है कि वीरेंद्र कुमार को रंजन कुमार से 25 लाख रुपए ड्यू को पाना था, जिसके लिए रंजन कुमार के द्वारा लगभग 25 लाख का चेक दिया गया और वो बाउंस हो गया था। तब उस कंडीशन में वीरेंद्र कुमार ने विकास कुमार से कहा था कल रात में कि आप जाइए और रैपिडो मॉल के जो भी संचालक हैं सन्नी कुमार, उनसे चाबी लेकर उसको लॉक कर दीजिए। उसी डिसीजन पर विकास कुमार वहाँ गए थे और उन्होंने सन्नी कुमार से चाबी ली थी, और इसी चाबी के आदान प्रदान को लेकर अभी डिस्प्यूट चल रहा है। जैसे कि रंजन कुमार ने अपनी शिकायत में कहा है कि चाबी छीन ली गई, और अभिषेक कुमार जो कि वीरेंद्र कुमार के पक्ष हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि चाबी उनको हैंडओवर प्रॉपर्ली बातचीत करने के बाद की गई थी। इससे पहले भी वीरेंद्र कुमार के साथ एक घटना हो चुकी थी, जिसमें एक और मॉल संचालक द्वारा लगभग 50 लाख रुपए का ड्यू होने के बाद मॉल छोड़ दिया गया था, और उसमें बाद में केवल 1.5 लाख रुपए का सामान मिला था। इसीलिए वीरेंद्र कुमार द्वारा जो विकास कुमार भेजे गए थे और उनके साथ उनके अन्य साथी जैसे अभिषेक कुमार, राजकुमार, ये लोग भी गए थे, वो वहाँ पर मॉल में जितना सामान है उसका मैनेजमेंट कर रहे थे और जितना भी एसेट है उसका काउंटिंग कर रहे थे, कितना सामान क्या है। संयोगवश जो ERSS वहीं पे लगती है, ये जो विकास कुमार हैं, इनका अपना एक बैंकेट हॉल वगैरह भी है, उसको चलाते हैं बंधन बैंक के पास में ही, उसी लोकेशन पे ERSS कर्मचारी वहाँ पर वगैरह वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए यूज़ करते रहे हैं, इसीलिए इनकी इनसे मुलाकात रही है। ये लोग वहाँ स्थित थे तो विकास कुमार द्वारा इन लोगों को बताया गया कि हम लोग इस मॉल को हम बंद कर रहे हैं, आज इसको लॉक कर रहे हैं, आपको सामान वगैरह लेना हो तो आप ले सकते हैं, इसकी बिलिंग आपको बाद में करवा देंगे। तो ये लोग वहाँ पर थे, इनको डिस्काउंट का बताया गया कि आपको हम बाद में बिलिंग करके अच्छा डिस्काउंट दे देंगे, आप लोग ले सकते हैं। तो ये लोग अंदर गए मॉल में और सामान उन्होंने ले लिया। इसमें प्रथम दृष्टया जो गलतियाँ ERSS वालों से हुई, तो ये थी कि बिलिंग इन लोगों को करवानी चाहिए थी प्रॉपर, बिना बिलिंग के इन्हें सामान नहीं लेना चाहिए था, और जो अपना ड्यूटी आवर्स है उसमें शॉपिंग के लिए नहीं जाना चाहिए था। चोरी की बात और लूट की बात जो बताई जा रही है वो सरासर गलत है। ये जो अफवाह है और जो न्यूज़ चैनल थोड़ा सा जल्दी जल्दी प्रोपगेट किए हैं विदाउट टेकिंग द ऑफिशियल व्यू, ऐसी कोई घटना है नहीं। पुलिस वालों को ये आइडिया बिल्कुल नहीं था कि मॉल का मैनेजर कौन है, और नॉर्मल पब्लिक को आइडिया होता भी नहीं है कि कौन मैनेज कर रहा है, कौन चला रहा है, कौन इसको स्टाफ है। उनको मालूम था कि चाबी किसके पास है, उनकी जानकारी में जो थे उन्होंने बताया कि हम इसको हैंडओवर ले चुके हैं, आपको जो लेना ले लीजिए, इसका पेमेंट आपको बाद में करवा देंगे।
साथ साथ ये भी है कि ईआरएसएस के व्हीकल को कोई भी कंप्लेंट ईआरएसएस की प्राप्त नहीं हुई थी, तो ये लोग किसी भी रेंटर और लैंडलॉर्ड के डिसएग्रीमेंट के बीच में हस्तक्षेप करने नहीं गए थे। ये लोग मात्र सस्ते सामान को खरीदने के लिए थोड़ा सा लोभ में मॉल में चले गए थे और उन्होंने सामान को लिया और वहाँ से चले। अगर चोरी घटना होती तो ऐसा कोई टाइम का ड्यूरेशन होता या किसी की नॉलेज में नहीं होता या फिर ये लोग रुकते नहीं, तो इसीलिए पर चूंकि लोग में ड्यूटी आर्स में उन्होंने कुछ किया है तो इन लोगों को लाइन हाजिर किया जा रहा है। और हम लोग ये मॉल हुआ आपस जो आसपास के बंधन बैंक हैं और जितने भी कैमराज हैं उनके ही फुटेज ले रहे हैं। जो हमारे पास अभी दोनों पक्षों से आवेदन आए हैं उसके अनुरूप हम लोग जितने भी पक्ष इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, चाहे वो रंजन कुमार हैं, वीरेंद्र कुमार हैं, उन लोगों को भी स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया है। उन दोनों का भी स्टेटमेंट लिया जा रहा है जो कि बिल्कुल आपस में प्रतिलोम नज़र आ रहा है। दोनों आपस में बिल्कुल कॉन्ट्रेडिक्टिंग व्यूज़ दे रहे हैं। तो किसका व्यू सही है, चाबी का आदान प्रदान कैसे हुआ, जबरदस्ती लॉक किया जा रहा था, नहीं किया जा रहा था, ये पूरा डिफरेंट इशू है। इसको भी हम लोग जाँच करेंगे। लाइन क्लोज करने के साथ जैसे से हमारे पास एविडेंस आएगा उस बेस पे हम लोग डिसीजन लेंगे इन लोगों से क्या कार्रवाई करनी है। इसके साथ ही साथ कुछ और वीडियोस भी व्हाट्सएप पे वायरल हो रहे हैं जिसमें कुछ लोगों के द्वारा वीडियो बनाने की चेष्टा के साथ महिला सिपाही के साथ बदतमीजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसका भी हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। महिला सिपाही से हम लोग शिकायत प्राप्त करते हुए उन लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। इन टोटल जो चार लोग वहाँ पर ईआरएसएस के थे, पीटीसी निरंजन कुमार, महिला सिपाही काजल कुमारी, महिला सिपाही स्नेहा कुमारी और चालक सिपाही संजय कुमार, इन लोगों को लाइन हाजिर किया गया है और आफ्टर द इंक्वायरी इन पर डिसीजन लिया जाएगा।